भाई साहब हम अच्छा अच्छा जो माइक पर है उसके लिए अपने बीच में तीन परिचय पुनः आप सबके समक्ष करा रहा हूँ। श्रीमान दयानंद जी, ठीक है, आपका पांडव नगर में निवास है, आप तृतीय वर्ष शिक्षित हैं, विभिन्न दायित्वों पर काम करते बीच में महामंडलेश्वर वहां तक नहीं गए थे, श्री नवल किशोर दास जी महाराज और उन्हीं के साथ में श्री सुरेंद्र जी, आप बानवे की कार सेवा में गए थे। हमारे बीच में उपस्थित आप दयानंद जी का स्वागत करें। ठीक है, ठीक है। मनोज जी सिवा सुरेंद्र जी का स्वागत करें। जिले का काम देखो, हिसाब किताब पूरी व्यवस्था में है। कार्यालय प्रमुख श्रीमान के नाते श्रीमान विनोद जी, ये सारी चीजें लेकर के जाना है, उसकी व्यवस्था हो रही है। आदरणीय महामंडलेश्वर जी, सम्मानित लोग श्रीमान दयानंद जी और उपस्थित ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बंधु भगिनी, भगवान राम में अनन्य प्रेम रखने वाले स्वयं सेवक, उस समय का जो अनुभव है शायद भगवान की कृपा रही होगी जिनको ये काम मिला, जो वहां तक पहुंचे। उस समय मुझे पांडव नगर मंदिर से वाहनी प्रमुख बना करके और संकल्प प्रतिज्ञा करा करके 101 लोगों के साथ और ट्रेन में बैठा दिया गया। ट्रेन तो पूरी ही राम सेवकों से भरी हुई थी, बड़ा उत्साह था। भगवान की थी असीम कृपा थी कि मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, 3 साल का था, 1-5 साल का था, लेकिन प्रीत विहार पार्क में सभी परम पूज चारों धामों के आचार्य शंकराचार्य जी उपस्थित थे, उन्होंने संकल्प कराया और संकल्प का प्रभाव ये हुआ कि जिसने भी वहां हाथ उठा करके संकल्प लिया वो उस कार सेवा में पहुंचा। अभी यहाँ पर मैं कुछ पहचान रहा हूँ कुछ को, तो महाराज जी बैठे हुए हैं वहां पर, अयोध्या में मुलाकात हुई थी, टेढ़ी नदी और सोनभद्र नदी है, उसके बीच में लगभग 2 लाख के करीब स्वयं सेवक इकट्ठे थे। इतना आनंद आया भगवान का नाम लेते हुए, ट्रेन को गोंडा में रोक लिया गया, गोंडा से पैदल यात्रा हुई। भगवान राम कभी अपनी सेना के साथ वनों के साथ इधर उधर गए होंगे, इतना आनंद आया कि उसको जीवन में भुलाया नहीं जा सकता। वहां जो लोगों ने प्रेम दिया, आप देखिए हमारा ग्रुप लगभग 750 के आसपास था, यहाँ पर लोगों को 1900 जी भी है,
हम अदानी से सात लोग थे, सोनी जी, जगदीश जी, मैं, सोनी जी से बात हम देखते हैं। हमीर जी आ गए थे यहाँ पर, हमीर जी अदानी से, मैं और जगदीश जी, जगदीश सोनी और उनके एक साले थे, सात लोग यहाँ से थे। जितना आनंद आया उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। लेकिन माता बहनों का प्यार देखिए, एक परिवार ने हमको बैठा करके और चूल्हे पर रोटी बना करके खाई। एक माँ पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप जैसे सोमसेन, आप जैसे राम भक्त स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपका परिवार फूलता फलता रहे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सत्य महंत नवल किशोर जी, श्रीमान सुरेंद्रपाल जी और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी राम भक्त बंधुओं बहनों, आज प्रातः 9 बजे महंत नवल किशोर दास जी और मैं साथ में एक जिले के कार्यालय का उद्घाटन था। विश्व हिंदू परिषद की जो भूमिका रही इस मंदिर निर्माण में, बड़ी महती भूमिका रही। विश्व हिंदू परिषद के बारे में हम जानते हैं, 1964 में मुंबई के संदीपनी आश्रम में इसी प्रकार अनेकों साधु संत एकत्र हुए और वहां विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। उसके लगभग 20 वर्ष बाद 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक पहली धर्म संसद हुई। भैया एक पीछे आवाज, जरा बैठ जाए, जहां स्थान मिले वहां बैठ जाए, कुर्सी नहीं है तो। और उस पहली धर्म संसद में ओंकार भावे उन्होंने प्रस्ताव रखा, अयोध्या, मथुरा, काशी, ये स्थान हिंदुओं को सौंपे जाएं। और उसके बाद राम मंदिर के लिए गतिविधियां तेज हो गई। 1986 में एक विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई और उसके बाद अयोध्या से एक यात्रा निकली। यात्रा लखनऊ के हजरत महल पार्क में एक बहुत बड़ी सभा हुई और उस सभा में माननीय अशोक सिंघल जी ने घोषणा की कि राम जन्म भूमि स्थान हमें हिंदुओं को सौंपे, और उसका ज्ञापन देने के लिए दिल्ली के लिए वो यात्रा चली। दिल्ली से पहले ही उत्तर प्रदेश के सीमा में ही यात्रा थी। दुर्भाग्य से श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हो गई, जिसके कारण वो आंदोलन शिथिल हो गया। फिर 1985 में राम जन्मभूमि की विश्व हिंदू परिषद ने अनेकों गतिविधियां शुरू की और 1986 में, जैसा हम सबको ध्यान में है, उन सब गतिविधियों के कारण वहां के जो डिस्ट्रिक्ट जज थे उन्होंने वहां का, यानी राम लल्ला, उसके ताले को खोला, वह पूजन शुरू हो गया। और उसके बाद जन जागरण के अनेकों कार्यक्रम करते हुए 1989 में बहुत बड़े मात्रा में पूरे देश भर में शिला पूजन हुए, शिला पूजन के कार्यक्रम हुए। और कहते हैं कि एक अनुमान के मुताबिक 275,000 गांवों तक हम गए। उस समय तक इतनी बड़ी संख्या में कोई इतना संपर्क अभियान किसी का नहीं चला, इतनी बड़ी मात्रा में शिला पूजन के कार्यक्रम हुए। और उसके बाद जन जागरण, जन चेतना आई, विश्व हिंदू परिषद की एक बैठक हरिद्वार में हुई और उसमें तय किया गया कि 31 अक्टूबर 1990 को कार यात्रा होनी चाहिए। अभी जो सुरेंद्रपाल जी ने बताया, इससे जो पूर्व की कार यात्रा थी उसके संबंध, उस समय जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था
कि यहाँ अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन उस सब के बावजूद वह हजारों की संख्या में कार सेवक वहां पहुंचे। रिपोर्ट सौंपी, इतना लंबा 48 बार उसके कार्यकाल बढ़ाए गए, उसके बाद कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट में केस गया। जो हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच थी, उस लखनऊ बेंच ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया। एक निर्णय उसमें यह था कि जो राम लल्ला है, जो विवादित स्थल है, वो हिंदुओं को सौंपा जाए। दूसरा निर्णय साथ में दिया कि जो सीता रसोई है और राम चबूतरा है, उसको जो वहां अखाड़ा था, एक अखाड़ा चलता था, उस अखाड़े को सौंपा जाए। और तीसरा कि मुस्लिम वहां प्रार्थना करते हैं, इसलिए एक हिस्सा मुस्लिमों को दिया जाए। ये निर्णय वहां उस समय जो लखनऊ बेंच थी, इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच थी, उसने निर्णय दिया। लेकिन ये निर्णय ना हिंदुओं को स्वीकार था, ना मुस्लिमों को स्वीकार था। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और सुप्रीम कोर्ट में 2010 से लेकर 2017 तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई बेंच तक की भी नहीं बनी। लेकिन उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने एक जन आंदोलन चलाने के लिए, एक जन जागरण करने के लिए बहुत बड़ी रैली ऐसी हो इसके बारे में विचार किया, और फिर ऐसी 5 रैलियां पूरे देश भर के बड़े शहरों में हो और छोटे छोटे शहरों में भी रैलियां हो, इस प्रकार योजना बनी। उसी के तहत दिल्ली में भी 9 दिसंबर को रैली होनी थी। जब 9 दिसंबर का समय तय हुआ और उसके बाद उसके स्थान के बारे में बात आई, तो क्योंकि रैली एक लाखों की संख्या में रैली करनी थी, ऐसा तय हुआ। लेकिन इतना बड़ा स्थान दिल्ली में कौन सा हो सकता है, तो 2 ही स्थान ध्यान में आते हैं, एक बुराड़ी का मैदान, एक जापानी पार्क रोहिणी में। तो फिर बुराड़ी के मैदान में ऐसा तय हुआ। ये बैठक बंगलुरु में एक बैठक चल रही थी, वहां सब एक योजना बनी थी। लेकिन उसके बाद जब दिल्ली में आए, दिल्ली में